हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। माय नेम इज तेजवीर सिंह, यू आर होस्टिंग हैकर हिंदुस्तान। सो गाइस, आज हमारे पास है लॉपिंग गैस। गाइस, ये मैंने ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर की थी एंड 4 दिनों के अंदर ये मेरे पास पहुंच गई, ठीक है, डिलीवरी से। एंड ये इसका सिलेंडर है, छोटा सा देख सकते हो आप। मैं लिंक दे दूंगा नीचे, खरीदने में आसान होगी आपको। तो गाइज, इसका फुल फॉर्म है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको लॉपिंग गैस भी कहते हैं एंड क्रीम सार्जर भी कहते हैं। आप क्रीम सार्जर चेक करोगे तो आ जाएगा। एंड ये कंफ्यूज मत होना कि क्रीम सार्जर अलग है, ऐसा कुछ नहीं। लॉपिंग गैस एंड क्रीम सार्जर अलग नहीं होते, एक सेम है, ठीक है। तो अभी इसका मैं दिखा देता हूँ। एंड इसके अलावा गाइज, एक भारी चीज़ लेनी, लोहे की कुछ भी ले सकते हो, इसकी जगह आप हथौड़ा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास कील है नुकीली, ठीक है। एंड इसके अलावा ये गुब्बारे लेने गए जी आपको, ठीक है। तो अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं। सो गाइज, ये लेना, ये गाइज बहुत ठंडी होती है, आप शायद ग्लव्स यूज़ कर देना, मैं तो नहीं करूँगा, मेरे पास रुमाल पड़ा है अभी। तो इसको जैसे ये गैस बाहर निकलनी शुरू होगी तो ये लिक्विड नाइट्रोजन जितनी ठंडी हो जाती है एकदम, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अभी ये कील लगानी है ऐसे गाइस, एंड इसके बाद धीरे धीरे ठोकना, नहीं तो एकदम पूरी गैस लीक हो जाएगी। सो गाइस, ये लीक होनी स्टार्ट हो गई। सो गाइस, पूरे आपको शायद हो सके तो ये एक ही काम कर देगी आपका पूरा। तो दो गुब्बारे भर देना है आपको आसानी। ये देखिए बहुत ठंडी होगी यहाँ से, ये बहुत ठंडी होगी गाइस। देखिए फ्रीज के अंदर कैसे होता है, इधर आना इधर आना। सो गाइस, ये एक तो पूरा हो गया, पकड़े इसको। एंड अभी ये एक दूसरा भर देता हूँ, ये दो ही आपका काम कर देगा पूरा। बहुत ठंडी होगी है, साइड में तो लगता खाली हो गई, बहुत ठंडी यार, लीक हो रहा है यार, नीचे रख दूँ क्या, रुमाल लेना, रुमाल रुमाल लगे यहाँ पकड़ रहा। सो गाइस, यार बहुत ठंडी होगी, मेरा हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है अभी, इसलिए हमने यहाँ पर रुमाल लगा दिया। आप भी रुमाल का यूज़ करने लगा, बहुत सिंपल है। ये साइड मेरे को लगता अभी खाली हो गई है, निकल गई, दो गुब्बारे आराम से फुल भर देंगे। ये देखिए पूरा पानी जम गया ऊपर है इसके, ठीक है। इसको रखते हैं अभी साइड में, खाली होगी ये। अब आप इसको अंदर ले रहे हो तो बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है। अगर आपको खांसी जुकाम ऐसा कुछ होना तो इसका बिल्कुल यूज़ नहीं करना, कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। सो गाइस, हमने 3 गुब्बारे भर दिए, आप भी इस तरह से देख लेना। पहले एक पकड़ा इधर वाला, हाँ इधर, अभी से ध्यान, अभी इसको कैसे यूज़ करना आपको, ठीक है, इसका ध्यान रखना बहुत गाइस। पहले ऐसे करना, दूसरा वाला दे, ज्यादा बोलना नहीं, ठीक। Yeah.
यार अरे यार पूरी कंपन हो रही है यार बॉडी में। हाँ वाइब्रेशन हो रही है यार बॉडी में पूरी। ऐसा लग रहा नींद आ रही। अरे ऐसा लग रहा वाइब्रेशन कर रही बॉडी पूरी। पहले दस यार दब वाइब्रेशन हो रही पूरी बॉडी। नींद आ रही यार। नींद आने लगी है। अरे यार पानी ला यार। पानी नींद आने लगी यार। ऐसा लग रहा है जैसे बेहोश होने वाला हो यार। नींद आ रही फुल। ये कौन दे रहा पत्थर मारे यार इस मुंह पे। यार 5 मिनट हो गए ना। है कितना टाइम हुआ था पहले। इधर रहना तू इधर थोड़ा इधर रह जा। टाइम दे यार 5 मिनट हो गए। फुल एनर्जी लॉस्ट हो गई ऐसा लग रहा है। अभी शक्कर कैसे आती है जैसे आप 3 4 दिन कमरे के अंदर बंद रहते हो फिर एकदम आके खोलते हैं कैसा लग रहा। सो जाता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज क्या होता है जब हम इसको अंदर लेते हैं इनहेल करते हैं गाइज। ये पहले फेफड़ों में जाती है फिर फेफड़ों में से अंदर एकदम दिमाग के अंदर जाती है। फिर वहाँ एक सेंसर होता है केमिकल सेंसर डोपामिन। वो एकदम बहुत सारे केमिकल रिलीज़ कर देता है। ज़्यादातर वो हंसी वाले फीलिंग वाले रिलीज़ करता है। इस वजह से या तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपको शक्कर आ रही। अगर आप रो भी रहे होंगे तो भी आपको हंसी आएगी। मेरे को एकदम ज़बरदस्ती हंसी आ रही जैसे यहाँ से लग रहा था ऐसे कोई ऊपर कर रहा है। ज़बरदस्त हंसी आ रहा है। आप हंसी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। इसको आप जैसे बहुत सारे लोग इसको ड्रग की तरह भी यूज़ करते हैं। ओवरडोज बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप एकदम स्वस्थ हो फिर ही इसका यूज़ करना ठीक है। अगर आपको जुकाम खांसी बुकाम ऐसा कुछ हो एकदम आप स्वस्थ हो बॉडी आपकी इस चीज़ को सहन करने के लिए हो। सो गाइज इसको डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं जब दांत का होता है ना इलाज उस टाइम इसका यूज़ करते हैं। आप किस तरह से इसका यूज़ करते हो उस ये आपके ऊपर है ठीक है गाइज। हम तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट का यूज़ करना चाहते हैं। मतलब ऐसा रीजन कुछ होता है हंसी आती नहीं आती आपने देखा भी। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर ठोक देना ठीक है। एंड ऐसे ही वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना। एंड वीडियो कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर बता देना ठीक है। हंसी कैसी थी यार ठीक है। जय हिंद।